नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस को नौटंकी करने वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा, आजकल कांग्रेसी विधवा विलाप करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस को ना समाज से मतलब है, ना सामाजिकता से मतलब है। उन्हें बस देश में अराजकता फैलाने में विश्वास है। राजस्थान में कांग्रेस किसानों पर अत्याचार कर रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित की मॉब लिंचिंग हुई, उस पर कांग्रेस क्यों मौन धारण की हुई है? मैं प्रियंका और राहुल से पूछना चाहता हूं कि वे वहां क्यों नहीं गए? चाईबासा में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या हुई, उस पर कांग्रेस सी क्यों खामोश है? राज्य में 2900 से भी अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, उस पर भी कांग्रेस चुप है। उन्होंने गठबंधन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार गरीब विरोधी, महिला विरोधी सरकार है। दीपक प्रकाश ने कहा, पार्टी ने निर्णय लिया है कि स्थानीय मुद्दे जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। हम सब लोग जानते हैं कि आजकल पूरे देश के कांग्रेसी विधवा विलाप करने पर लगे हुए हैं। हर कांग्रेसी नौटंकी करने के काम में लगे हुए हैं। हर कांग्रेसी बंगाल में जो जतरा पार्टी होती है उसके कलाकार के रूप में काम कर रहे हैं। हर कांग्रेसी फोटो खिंचा करके हाईकमान को भेजने में तत्पर है। ना उनको समाज से मतलब है और ना सामाजिकता से मतलब है। उनको तो मतलब है देश और राज्य में एक ऐसी स्थिति पैदा करना जो अराजकता की ओर ले जाए। हम सब कोई जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में किसानों के खिलाफ लगातार लाठीचार्ज हुए। सबसे ज्यादा राजस्थान की सरकार बर्बरता के साथ किसानों के साथ पेश आने का काम किया और हनुमानगढ़ी जगह हनुमानगढ़ राजस्थान में उसमें एक दलित को खींच करके उनकी जान उसकी हत्या कर दी। आज प्रियंका जी क्यों नहीं जा रही है राजस्थान? राहुल जी के आंसू क्यों नहीं गिर रहे हैं? और कांग्रेसी मौन धारण क्यों किए हुए हैं? अब झारखंड के ही संदर्भ में अगर हम बात करें, रांची से कुछ ही किलोमीटर के दूर पर तिलता गांव है, रातू में। वहां पर सुखो देवी एक महिला है, विधवा है, उस पर अल्टो गाड़ी चला दिया गया और कांग्रेसी मौन धारण क्यों है? क्योंकि वो गरीब घर की औरत है, विधवा है, आदिवासी महिला है। मुख्यमंत्री से न्याय की मांग क्यों नहीं कर रहे कांग्रेस जी? चाईबासा में एक ही परिवार के चार लोगों की, आदिवासी परिवार की हत्या हो गई, कोई कांग्रेसी का मुंह नहीं खुला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता का मुंह नहीं खुला। उसके पहले भी चाईबासा में सात आदिवासी लोगों की नरसंहार की घटना घटी, क्यों कांग्रेसी मौन था? कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष क्यों नहीं एक शब्द बोले थे उस वक्त भी? आवाज किसकी सरकार है? यहां पर साझा
हमारे मन का आनंदी हो जाए। पाप के भागीदार दोनों है, कांग्रेस और जागरण मुक्ति हो जाए। देखिए झारखंड में जिस प्रकार से एक षड्यंत्र खड्यंत्र के कारण आदिवासी के साथ लगातार अत्याचार हो रहा, भाजपा सरकार मौनी धार बनी है, कांग्रेस चुप है। अब जहां तक अनुसूचित जाति समाज की बात है, पूरे प्रदेश में उनके जमीन लूटे जा रहे हैं, उनको बला धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मधुपुर की घटना उसका उदाहरण है। पूरे प्रदेश में योजनाबद्ध ढंग से प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार क्यों नई कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस ही क्यों मौनी भाव बाबा ने उड़े बने हुए, क्यों नहीं कांग्रेस है शब्द बोल पाए? प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजे हुए हम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर लोगों को 5 किलो अनाज देने का संकल्प केंद्र की सरकार और मोदी जी ने किया, यहां पर उस पर पूरी तरह से झूठ खसोट हो रहा है, क्यों नहीं कांग्रेस ही एक शब्द बोल रहे? हमारे यहां प्रदेश में 2900 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी, कांग्रेस का क्यों नहीं एक शब्द उच्चारण कर रहा? इसलिए आज मोरावाली में हमारे 2500 वो जवान बैठे हैं जो आदिवासी पूर्ववासी जिनके नाम पर राजनीति करते हैं, भूखे और प्यासे बैठे हुए हैं, पीने का पानी की व्यवस्था भी सरकार को नहीं दे पाई, शौचालय की व्यवस्था नहीं करती, आंदोलन कर रात को बिजली काट दिए जाते हैं।